एक वकील चैनल पर जंग इन वायरल लिमिटेड आईपीओ के ओपनिंग 19 जून व नेक्स्ट डे यानी कि कल से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसकी अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 19 जून नेक्स्ट यानी कल से होने वाली है, इसकी क्लोजिंग 21 जून फ्राइडे को है, अलॉटमेंट 24 जून मंडे को है, रिफंड डेट 25 जून ट्यूजडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 25 जून ट्यूजडे को है, लिस्टिंग 26 जून वेडनेसडे को है। इसका फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर, प्राइस बैंड 71 से 75 रूपए पर शेयर, लॉट साइज 1600 की है, टोटल इशू साइज 44.93 करोड़ की है, फेस इशू 11.23 करोड़ की है एंड ऑफर पर सेल 33.70 करोड़ की है। यानी कि जो इशू साइज लेकर के आया है वो यहाँ पर यहाँ को 75% इसका ऑफर फॉर सेल है एंड शेष 25% ही एक फ्रेश इशू लेकर के आया है। तो एक बड़ी निगेटिव पॉइंट है कि एक कंपनी 75% का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहती है या फिर जो पहले से इसके पास इन्वेस्टर वो सब अपने यहाँ से हाथ खींच रहे हैं यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं। इसकी लिस्टिंग BSE SME मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। इसमें रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹1,20,000 है, HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹2,40,000। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, 2021 में इसमें 583.38 लाख का प्रॉफिट था और 23 में 31 मार्च तक बढ़ करके 1,001.82 लाख को पहुंच चुका है। रेवन्यू 2021 में 2560.58 लाख था जो 23 में बढ़ करके 4,280.57 लाख को पहुंच चुके। एसेट 2021 में 1,895.51 लाख था, वही 23 में बढ़ करके 3,574.93 लाख को पहुंच चुकी। इसकी नेटवर्थ 2021 में 1,015.14 लाख था जो यहाँ पर 23 में 31 मार्च तक बढ़कर के 2,411.51 लाख पर पहुंच चुकी है। इसकी रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 979.14 लाख थी जो 2023 में बढ़कर के 2,380.55 लाख हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट में 9 महीने के अंदर यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है, 1,000 से 840 पर आ गई है। रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज हुई है, 4,280.57 लाख से घट करके 2,639.11 लाख हो गई है और 3,994.75 लाख हो गया। इसमें ग्रोथ है, एसेट में ग्रोथ है, रेवेन्यू प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस में भी गिरावट दर्ज हुई है, 2,380 से घट करके 2,050.68 लाख ही रहा। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में 9 महीने के अंदर गिरावट दर्ज हुई है तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी इधर 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 30.48% है, ROCE 36.55% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 30.48% है, पैट मार्जिन 31.84 है, PE प्री आईपीओ 15.76 है एंड पोस्ट आईपीओ 15.09 है। तो फाइनेंशियली ये ठीक ही दिख रही है, 3 साल का इसकी फाइनेंशियल प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन 9 महीने में इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट रेवेन्यू एंड रिजर्व एंड सरप्लस में गिरावट दर्ज हुई है। रेटिंग मैं इसे 10 में से 5 दी हूँ जो कि ठीक ठाक है, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो फरवरी 2013 की स्थापित कंपनी है, यानी कि लगभग इसको 1 दशक ही पूरा हुए हैं अपने फील्ड में। जंग इन्वायरो मैनेजमेंट लिमिटेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो
पैकेजिंग वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का काम करता है। बहुत ही बेहतरीन काम है। इससे इन्वायरमेंट को शुद्धिकरण होती है, सोशलाइज वर्क करती है। इसकी बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है एंड इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन कर रही है। ये अपने बिजनेस को चार कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। ईपीआर कंसल्टेंसी एंड फुलफिलमेंट फॉर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो रिसाइकल किया प्रोडक्ट बनाया उसको प्रोडक्ट को बेचता है। चौथा इसका जो सेगमेंट है ईसीजी कंसल्टिंग एंड बीआरएसआर, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, यानी कि ये अपने बिजनेस को चार सेगमेंट में बांटता है और ये लोगों को अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम भी करता है, लोगों को एजुकेट भी करता है कैसे प्लास्टिक को प्रॉपर प्लास्टिक को वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी करता है एंड लोगों को एजुकेट भी करता है कि जो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है प्लास्टिक है उसको कैसे रिसाइकलिंग किया जाता है एंड उसको किस तरीके से इन्वायरमेंट को शुद्ध किया जाता है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस भी करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम करता है एंड लोगों को एजुकेट भी करता है। तो इसका बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, इसका कोई लिस्टेड कम्पिटिटर नहीं है, बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही है। रिसाइकलिंग करती है, वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करती है एंड उससे प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को भी बेचती है और उससे भी ये रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके पास कई सारे डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो हैं। इसके पास लगभग कई तरीके की जो अपने सेगमेंट में जो काम कर रही है वो हर सेगमेंट से हर इंडस्ट्री पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे एफएमसीजी सीमेंट फर्टिलाइजर पैकेजिंग एंड अदर जो होते हैं सामान होते हैं जो वेस्ट होते हैं उन सारी इंडस्ट्रियों से जो कचड़े प्राप्त करता है उसको रिसाइकल करता है और ये हर इंडस्ट्री में इसके पास लगभग 100 क्लाइंट्स हैं और इसका जो मुख्य क्लाइंट है वो बंगाल बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड एंड वरुण बिवरेज लिमिटेड है और ये बहुत बड़ी कंपनी है जो इसका प्रमुख क्लाइंट है। इसके पास 100 क्लाइंट है लेकिन ये वरुण बिवरेज लिमिटेड ये इसका प्रमुख क्लाइंट है एंड बंगाल बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी इसका प्रमुख क्लाइंट है। तो ये बड़ी कंपनी है इसका क्लाइंट है, तो बिजनेस बहुत ही अच्छा दिख रही है। जून 24 तक इसके पास 51 फुल टाइम एम्प्लॉई है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा होने के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि 9 महीने में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है जो कि कुछ विशेष यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजनेस बहुत ही बेहतरीन कर रही है, रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रही है। एक प्लास्टिक इंडस्ट्री से कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट कंट्रीब्यूटेड से ये 17.42% की रेवेन्यू जनरेट करती है एंड उससे जो सामान बनाती है और उसको बेचती है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को ये जब बेचती है तो इसके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है 0.18% की रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये बहुत ही स्मार्टली बिजनेस को हैंडल कर रही है। पहले तो ये वेस्ट पदार्थ को जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको रिसाइकल करता है एंड फिर रिसाइकल करके उससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको भी बेच करके बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो बहुत ही शानदार ये बिजनेस कर रहा है, इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है। पहला तो ये सोशलाइज बिजनेस कर रही है, इन्वायरमेंट को शुद्ध कर रही है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको इकट्ठा कर रहा है, उसको रिसाइकल कर रहा है, उससे प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको रीयूज भी कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। बिजनेस बेहतरीन होने के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है एंड अब हम लोग इसकी जीएमपी देखते हैं। तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 12 जून को 33.33% प्रीमियम के साथ 25 रुपए पर हुई थी और ये आज बढ़कर के 56 रुपए भी पहुंच चुकी है। 74.66% की बेनिफिट अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 131 पर ट्रेड करी है और इसमें बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन जाने वाला है, लोग इस आईपीओ में जमकर पैसा फंसाने वाले। जैसे जैसे इसका डिमांड
डिमांड बढ़ेगा, जीएनपी भी बढ़ेगा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक बेनिफिट बना करके दे सकती है कंपनी, लिस्टिंग पर भी बहुत अच्छा देगा एंड बाद में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा बना करके दे सकता है। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, किसी की भी रातों रात हालत खराब हो जाती है, इन साइड में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता होता है, फिर वहां पर एक निराशाजनक लिस्टिंग या फिर लॉस होने का चांस होती है। तो इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है, निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल एंड जय हिंद।